आप देख रहे हैं भारत दर्पण टीवी। नॉर्थ वेस्ट दिल्ली के जहांगीरपुर स्थित जी ब्लॉक में पीडब्ल्यूडी की लापरवाही से गई दो मासूम जान। दरअसल 8 फरवरी से 5 साल का अरसान खान नाम का बच्चा गायब था। परिजन बच्चे की तलाश कर रहे थे, पुलिस भी गुमशुदगी दर्ज कर बच्चे की तलाश कर रही थी। इस बीच कल 14 फरवरी के शाम के वक्त मोइन नाम का 4 साल की बच्ची भी गायब हो गई, जिसकी तलाश लोगों ने कई घंटे तक की। बच्चा ऐसा लग रहा किसी ने उठा लिया। शक था हमें उसपे, इमरान और विक्की पे। उसको उठाने के बाद भी कोई तभी उस टाइम नहीं डाला पुलिस। आगे पुलिस छानबीन कर रही तो पूरी रातों दिन लग गई। हमारे जैसे 50-100 मीटर दूर, 50 मीटर दूर होगा। और क्या मतलब दरवाजे के बराबर में था, ट्रांसफार्मर के बराबर में था। पता कैसे चला आपको? किसी ने देख करके बताया हमें। मामला ये है कि पहले 2 दिन पहले एक बच्चे की लाश मिली थी और कल एक बच्चे की लाश मिली है। तो इलेक्शन के टाइम के अंदर बच्चे गायब हो गए थे, तो मैंने वोट ढूंढने के पता लगा कि नाले के अंदर बच्चे की लाश मिली का मामला है। और ये लापरवाही पीडब्ल्यूडी का नाला था, नाले के अंदर बच्चे की लाश मिली। और यहाँ पर बहुत सारे बोरे हैं अवैध रूप से, तो बोरे के पाड़ के अंदर, इस नाले के अंदर बहुत सारी गंदगी इकट्ठी हो गई थी। तो इस बच्चे के लाश मिली और बाकी पीडब्ल्यूडी को बोल दिया गया। कार मैंने कमिश्नर से भी बात करी थी, डीसी से बात करी, एसएचओ से बात करी, पीडब्ल्यूडी से बात करी। तो वीरवार को एक जॉइंट रेड भी लगा रहे हैं यहाँ पे, तो आगे कभी ऐसा कोई हादसा ना हो। संदेह होने पर जब पीडब्ल्यूडी के नाले में देखा गया तो बच्ची का शव नाले में मिला। जब नाले से बच्ची को निकाला गया, वहां पानी और उस जगह को हिलाया डुलाया गया, तो आज सुबह के वक्त गुमशुदा अरसान खान का शव नाले में ऊपर आ गया। दोनों बच्चों के शव एक ही नाले में मिलने से लोगों में गुस्सा है। लोगों का कहना है कि रिहायशी के बीच पूरे रोड पर अवैध कब्जा है, साथ ही पीडब्ल्यूडी का इतना बड़ा और चौड़ा गहरा गंदा नाला खुला छोड़ा गया है, जो इस तरह से बच्चों की जान ले रहा है। दोनों बच्चे एक गरीब परिवार से हैं। हमारा बच्चा 8 साल का पुलिस को जिस पे शक था उसे पकड़वाया, उस पे कोई रिमांड, उसे रिमांड में लिया नहीं। मुझे पुलिस थाने में इसे धर रखा था। हमारा बच्चा तो चला गया बाहर से, चला गया हमारा बच्चा। कल कोई बच्चा गिरा उसे निकाला गया, तो हमारा बच्चा सुबह हाथ दिखा इतना उसे निकाला गया। नाला ये साफ रहेगा तो हमारे बाल बच्चे गलत बोल रहा है। ये कबाड़े सब हटना चाहिए, कबाड़े सब हटना चाहिए। कबाड़े के चक्कर में हमारे बच्चे मर रहे हैं, कबाड़े के चक्कर में बोरियों पर से फिसल के मर रहे हैं। ये बोरियों के चक्कर में ये पूरा साफ सुथरा होना चाहिए। दोनों बच्चों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। दिल्ली पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। आसपास के लोगों की मांग है कि इस तरह के बड़े बड़े नाले प्रशासन खुले क्यों छोड़ता है, जो अक्सर हादसों को दावत देते रहते हैं। लोगों की मांग है कि पीडब्ल्यूडी और संबंधित अधिकारियों के खिलाफ FIR दर्ज हो, तभी इस तरह की लापरवाही से होने वाली घटनाएं रुक सकेंगी। भारत दर्पण टीवी के लिए हमारे संवाददाता अवधेश कुमार की रिपोर्ट। आप देख रहे हैं भारत दर्पण टीवी।